दोस्तों नमस्कार नमस्कार, आप सबको मेरा चैनल में वेलकम करता हूँ। दोस्तों देखिए आप लोग, ये जो एग्लोनिमस नोवाइड है, ये फंगल इशू मिला हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में आप लोग बताने वाला है। और आप लोग देखिए स्टार्ट से लेके लास्ट तक देखिए किस हिसाब किया जाता है इसको। इसका जो ब्लैक फंगस है ये, इसको कैसे हटाया जाता है और कैसे इसको मेडिसिन करना चाहिए वो आपको पूरा दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए इसको। आप इसमें देखिए, और ये देखने के बाद आपको एक प्लान आपके घर में जो भी रहेगा या आपका बालकनी में घर का तरह आप इसको कैसे यूज़ करना है मेडिसिन और कैसे क्लीनिंग करना है वो डिपेंड करता है। आप कोई भी नर्सरी से आप पौधे लेती है, पौधा लेने के बाद और उसका फंगस आ जाते हैं और मेडिसिन ले लेते हैं, मेडिसिन कैसे स्प्रे करना क्या आपको मालूम नहीं होता है। आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जस्ट मेडिसिन जस्ट स्प्रे ऑन इट एंड लीव इट, सो दैट डज नॉट वर्क राइट। इसको क्या है, हम लोग जो फंगस है उसको निकालना है, कैसे भी उसको डिस्प्लेस करना है, करके उसको मेडिसिन डाल देना। इसके एक बार मेडिसिन करने के बाद वो फिर से इट विल नॉट डाई सून, इट विल नॉट मूव अवे अगेन, वी हैव टू वेट फॉर अनदर वीक अगेन, आफ्टर वीक अगेन वी कैन जस्ट सेम वे वी हैव टू क्लीन दिस। तो ऐसे ही साफ करेंगे तो आपका उधर कोई भी पौधा हो घर में वो भी फंगस का इशू नहीं आएगा। मोस्टली क्या जो फंगस का इशू होता है वो अपार्टमेंट जो हाउसेस में जो प्लांट है इंडोर का उस पर ज़्यादा फंगस का इशू आ जाता है। क्यों, क्योंकि उसका मेंटेन सही तरीके से नहीं किया जाता है, उसे पानी ज़्यादा हो जाता है, उस सब कारण में। अभी जो भी मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर रहा हूँ आप देख लीजिए, इसमें ये आपको दिखाने के लिए मैं वीडियो बनाया ये, और इसमें क्या होगा आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे, तभी और किसी को ये वीडियो देख के आइडिया आ जाए। अभी ये पानी से इसे वॉश करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छा मेडिसिन डालेंगे। मेडिसिन बोले थे एक मेडिसिन है वो लेथल मेडिसिन है, तो लेथल जो है वो यूज़ करके उसको हम लोग फंगस का जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर करने वाले हैं। तो आपको मैं लेथल का भी दिखाऊंगा इसमें, आप देखते रहिए वीडियो एंड तक, और जब तक वीडियो ख़त्म नहीं होगा तब तक बने रहिए मेरे साथ। और कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी है आपको प्लांट्स के बारे में, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट डाल सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ज़रूर वीडियो बनाऊंगा उसमें। और ऑल ओवर बैंगलोर एंड ऑल ओवर इंडिया इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ प्लांट्स पॉट्स एनीथिंग, एक इंक्वायरी इन माई कॉन्टैक्ट नंबर, दैट नंबर आई गिव यू इन द थंबनेल, थंबनेल में मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो दिया हुआ है, आप देख लीजिए। और थैंक यू बीइंग विद अस, थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग नाउ। दोस्तों मेरे को कमेंट में बता दीजिए आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया का कौन सी स्टेट से देख रहे हैं, और इंडिया के बाहर है तो कौन सा कंट्री से देख रहे हैं, फ्रॉम विच कंट्री यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई वुड लाइक टू गेट इन द कमेंट, आई वॉन्ट टू सी वेदर विच सिटी एंड स्टेट यू आर फ्रॉम इन इंडिया, प्लीज़ शेयर मी थ्रू कमेंट, थैंक यू गाइज, वी लव यू सो मच। अम्मा That's not what we're doing.